everyone, welcome back to my channel. I hope आप सब ठीक होंगे. आज का वीडियो एक अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है और जिस ब्रांड के प्रोडक्ट्स मैंने परचेज किए हैं उनका बर्थडे मन चल रहा था. आई थिंक आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ प्लम गुडनेस की. प्लम का 9th बर्थडे सेल चल रहा था, उस पर से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं जो कि मेरी ज़रूरत के थे और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे बर्थडे ट्रीट के तरीके से मिले हैं. तो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं. वैसे तो प्लम मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है क्योंकि प्लम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, क्वालिटी होते हैं और वो अपने रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से शो करते हैं. तो इसलिए मैं पहले से, जब से मैंने अपना स्किन केयर जर्नी स्टार्ट किया, मेकअप जर्नी स्टार्ट किया, तब से मैं प्लम के प्रोडक्ट्स परचेज करना प्रिफर करती हूँ. तो इस बार भी मैंने काफ़ी बड़ा बॉक्स परचेज किया है जैसे कि आप देख सकते हो. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे प्रोडक्ट जो है वो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किए हैं. तो ये एक अनबॉक्सिंग प्लस फर्स्ट इम्प्रेशन टाइप का वीडियो है. हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर देना क्योंकि मैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती हूँ, कुछ छोटे मोटे व्लॉग्स लेकर आती हूँ और कुछ छोटे मोटे मेकअप वीडियोस भी लेकर आती हूँ. तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियोज़ का. तो चलिए अब हम स्टार्ट. सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर मेरे पास वो मैंने अपने बेबी के लिए मंगवाया है और प्लम ने रिसेंटली जो है वो बच्चों के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए हैं. बेबी प्लम नाम से इन्होंने लॉन्च किया है. सोचा कि इनका बेबी प्लम का प्रोडक्ट भी ट्राई करना चाहिए तो मैंने यहाँ पर परचेज किया है बेबी प्लम का एवोकाडो बेबी लोशन फॉर फेस एंड बॉडी. और इनका ये जो बेबी लोशन है वो क्लिनिकली टेस्टेड है और पीडियाट्रिशियन अप्रूव्ड प्रोडक्ट है. जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है काफ़ी बड़ी, इसकी 200 ml की बॉटल है और 399 rupees इसका MRP है. लेकिन इसका जो सेल प्राइस जिसमें मैंने परचेज किया है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी. तो यहाँ पर मैंने आज इसे यूज़ भी कर लिया है ऑलरेडी. इस तरीके का इसका टेक्स्चर है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट टेक्स्चर है, बहुत ही अच्छे से जो है वो मॉइस्चराइज करता है बेबी की स्किन को. तो ये मैं प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है. तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मैंने ये परचेज किया है. नेक्स्ट जो मैंने प्लम का प्रोडक्ट परचेज किया है वो है प्लम का ग्रीन टी एल्कोहल फ्री टोनर और ये अगेन 200 ml की बॉटल है. प्लम का मैं ऑलरेडी फेस मिस्ट जो है वो ट्राई कर रही हूँ और आई थिंक मैंने 15 डेज में इसको ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है. और इतना अमेजिंग वो टोनर मुझे लगा कि मैं मतलब अपने सामने ही जो है उस स्प्रे बॉटल को रखती हूँ, स्प्रे बॉटल में आता है और जैसे ही मुझे कुछ थोड़ा सा डल फील होता है या थोड़ा मुझे टायर्ड फील होता है मैं उसको फटाफट से स्प्रे कर देती हूँ एंड आई एम गुड टू गो. इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है फेस को और बहुत अच्छा फील होता है उसको लगाने के बाद. तो मैंने सोचा कि इसका जो ये ग्रीन टी वाला एल्कोहल फ्री टोनर है ये पोर मिनिमाइजिंग टोनर है तो इसको भी ट्राई किया जाए. तो मैंने नेक्स्ट ये परचेज किया है. इसकी MRP भी 390 rupees है लेकिन मैं आपको सेल प्राइस जो है वो स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी. ये वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, बिल्कुल मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी और बहुत ज़्यादा इसमें से ग्रीन टी की फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ज़्यादा माइल्ड है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो अगेन एक स्किन केयर कैटेगरी का है और ये है प्लम का ग्रीन टी 10% AHA 5% PHA और 0.5% BHA एक्सफोलिएटिंग सीरम. इसका मैंने बहुत छोटा सा 3 ml का टेस्ट बॉटल जब मैंने प्रीवियसली परचेज किया था प्लम के बर्थडे सेल से, लास्ट ईयर भी मैंने एक हॉल बनाया था, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप भी जाकर चेक कर लेना. तब मुझे इसका छोटा वाला जो है वो बॉटल रिसीव हुआ था और आई थिंक मैंने इसे एक या दो बार ही ट्राई किया था और मुझे उसके जो है मतलब अच्छा लगा था. तो मैंने सोचा कि इस सेल पर इसका बड़ा वाला साइज ट्राई कर क्योंकि हमें हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम यंगर एज से ही हमारी स्किन की केयर करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए. तो मैंने सोचा कि चलो इसको परचेज कर ट्राई करते हैं. इसका MRP है 620 rupees और आपको आई थिंक 30 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो एक हेयर केयर कैटेगरी से है और इस टाइम मैंने काफ़ी लोगों के रिकमेंडेशन पे, मुझे मेरी सिस्टर ने भी रिकमेंड किया था, मुझे डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा इश्यू है
मैंने मामा अर्थ का शैम्पू यूज कर रही हूँ। मेरा डैंड्रफ जो है वो काफी हद तक कम हो गया है, 80% तक मेरा डैंड्रफ कम हो गया है, लेकिन मेरे हेयर्स में जो है वो हेयर वॉश करने के बाद 2-3 डेज के बाद ईचिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने प्लम का टी ट्री डैंड्रफ फाइटिंग स्कैल्प सीरम परचेज किया है। इसकी मैंने काफ़ी सारी तारीफ सुनी है। 650 रुपीज़ इसका MRP है और 110 ml की क्वांटिटी मिल जाती है। और इसका टेक्सचर भी आई थिंक एक सीरमी टेक्सचर है, इस तरीके की बॉटल है। यहाँ पर अच्छा सा कैप दिया हुआ है, स्टडी कैप, और कैप ओपन करने के बाद भी डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ से आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा तब जाकर प्रोडक्ट निकलेगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सीरमी टेक्सचर है जैसे कि आप देख सकते हो। फ्रेग्रेंस भी, वैसे तो फ्रेग्रेंस फ्री लिखा हुआ है लेकिन थोड़ी सी मुझे टी ट्री की थोड़ी सी इसमें फ्रेग्रेंस जो है वो आ रही है। एनीवेज स्कैल्प पर तो सब कुछ चलता है। अब यहाँ पर मैंने 2 प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं जो कि मेकअप कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पर मैंने इनका प्लम का न्यू लॉन्च चीक अबू मैट ब्लश परचेज किया हुआ है। ये जो है 399 रुपीज़ का MRP है और 4.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिल जाएगा। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सेफ पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग वाइज, प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज, जो प्लास्टिक यूज़ होता है उसके वाइज और प्राइसिंग वाइज, सारी चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें तो प्लम एक ऐसा ब्रांड है जो क्वालिटी ही प्रोवाइड करता है। तो ये वाला जो शेड है, मेरा जो शेड मैंने परचेज किया है वो है 1 2 3 1 in a melon, ये वाला शेड मैंने परचेज किया है। आई डोंट नो कैसा लगेगा मेरी स्किन पर, तो मैं इसे अपने किसी मेकअप वीडियो में ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका जो रिव्यू है वो। इस मेकअप प्रोडक्ट जो है वो है प्लम की मैट इन हेवन लिक्विड लिपस्टिक। मैंने इनकी जो बुलेट लिपस्टिक है वो परचेज की थी, मैटरिफिक वाली, और इसका जो MRP है वो है 499 रुपीज़ और 4.5 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी। और मेरा जो शेड मैंने परचेज किया है वो है 130 कोको मोका, यही मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। मैंने सुबह मॉर्निंग में अप्लाई किया था और अभी तक मेरे लिप्स पर ये लिपस्टिक है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट इसका टेक्स्चर है और मैं आपको दिखाई देती हूँ, इस तरीके का शेड है इसका, ब्राउनिश शेड है। मैंने ऐसे ही शेड जो है वो रैंडमली पिक कर लिया था तो मुझे तो अच्छा लगा अपने लिप्स पर। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, टेक्स्चर भी इसका बिल्कुल हैवी नहीं है और लिप्स पर तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि कुछ लिपस्टिक लगाया है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है वो प्लम की बॉडी केयर रेंज से परचेज किया है, और आई थिंक ये रेंज सभी प्लम लवर्स को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो मैं बात कर रही हूँ प्लम के बॉडी लविंग फोमो परफ्यूम्स की, और ये 299 रुपीज़ के रिटेल करते हैं। मुझे तो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिले थे। यहाँ पर आपको 3 बॉडी मिस्ट मिल जाएंगे। मेरे पास सबसे फर्स्ट है स्मोकिन वनीला एवरीथिंग प्लम और वनीला वाइब्स, ये 3 जो है वो मिनी बॉडी मिस्ट है। और ये बॉडी मिस्ट नहीं है, ये परफ्यूम ही है आप मान लो अगर। अब मैं इसे अप्लाई करती हूँ थ्रू आउट द डे, इसकी फ्रेग्रेंस रहती है मेरी बॉडी पर और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। और ये छोटे छोटे परफ्यूम्स जो है वो ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी जब प्लम के बर्थडे सेल से परचेज किया था तो मुझे ये वाला शावर जेल फ्री मिला था। प्लम के सिर्फ परफ्यूम्स नहीं, शावर जेल के भी फ्रेग्रेंस इतनी अमेजिंग होती है कि वो आप शावर ले लो, रिफ्रेश हो जाओगे आप। तो प्लम की बॉडी लविंग रेंज से आप भी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली ट्राई करो। एक और डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने ये जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं मैंने खुद के पैसे से परचेज किए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बॉक्सेस है, दोनों बॉक्स जो है वो मुझे बर्थडे ट्रीट पे मिले हैं। मैंने कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ परचेज किया था तो उस पर मुझे पहला बॉक्स मिला है प्लम का क्लियर एंड ब्राइट स्किन ड्यूओ, ये लिमिटेड एडिशन का ये प्लम ने जो है वो बनाया था। यहाँ पर मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिले हैं, सबसे पहला जो है वो प्लम का राइस वाटर एंड नायासिनेमाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन, 2% इसमें है नायासिनेमाइड, बहुत ज़्यादा लाइट वेट टेक्स्चर है और ऑयली स्किन वालों के लिए तो एक वरदान होता है लाइट वेट टेक्स्चर वाला कोई प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो। कोई भी फ्रेग्रेंस अगेन इसमें ऐड नहीं की हुई है, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसको मैं इतने टाइम से चेज कर रही थी, प्लम का ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल, इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज सुने हैं कि ये बहुत अच्छा नाइट जेल है।
अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप। तो लेट्स सी कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को इसको ओपन कर इसका टब दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी सी पैकेजिंग है इसकी और मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है। इस तरीके का इसका टेक्सचर है, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके का टेक्सचर है, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट टेक्सचर है और ग्रीन टी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो मैं डेफिनेटली इसे ट्राई कर इसका जो डिटेल रिव्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और लास्ट जो बॉक्स मेरे पास है वो है प्लम का बर्थडे ट्रीट। ये भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को जो है वो रिसीव हुआ होगा। इस बॉक्स में भी जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे ऐसा बर्थडे ट्रीट, मैंने जो प्रोडक्ट्स परचेज किए प्लम से वो कुछ अमाउंट रीच होने पर मुझे रिसीव हुआ है। इसमें चार चीज़ें हैं। सबसे पहले है प्लम का लिप एंड चीक टिंट और ये शेड है 129 बेजल पिंक। और प्लम के सारे ही जो प्रोडक्ट्स है उसमें स्किन केयर इन्फ्यूज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। पिंकिश शेड है, ब्राइट पिंक। काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। ट्राई करूंगी इसे भी मैं अपने किसी मेकअप वीडियो में और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका रिव्यू। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुआ है वो जिसको मैं भी परचेस करना चाहती थी लेकिन मुझे मिल गया, तो ये है प्लम का बॉडी लविंग का बॉडी मिस्ट और ये मेरे फेवरेट वर्जन में है ऑर्चिड यू नॉट। ये जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका परफ्यूम, इसका बॉडी मिस्ट, इसका डिओड्रेंट भी निकला है आई थिंक, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ऑर्चिड यू नॉट वाला जो वेरियंट है वो। ये भी मैं परचेज करना चाहती थी, प्लम का बॉडी लविंग ट्रिपनिंग मेमोसा इनका परफ्यूम है, ये भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, तो ये मुझे रिसीव हुआ। और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है प्लम की मैट इन हेवन लिपस्टिक और ये आई थिंक इसका शेड है 140 वाइन टू गो। बहुत ज़्यादा डार्क शेड है, लेट्स सी कैसा लगेगा मेरे ऊपर। इस तरीके का शेड है, वाइन कलर है आई थिंक इसका। दोनों ही डार्क शेड मेरे पास आ गए लेकिन चलो कोई बात नहीं, इस तरीके का शेड है। तो गाइज ये हो गया मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों के साथ। आई होप ये वीडियो जो है वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।